और एक और बात भी मैं पीजे कहता हूँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में ना आता पाकिस्तान में तो मेरा एक मिशन था और अब भी मैंने मिशन पूरा करना है, अभी अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल एकेडमी बनाना चाहता था। देखें, जिन सियासतदानों ने बिलियंस डॉलर पूरा निज़ाम जो मर्ज़ी कर लें, ब्यूरोक्रेसी ने ओवरसी सियासतदानों ने करना है, लेजिस्लेशन सियासतदानों ने करनी है, इंटरनेशनल रिलेशन सियासतदानों ने बनाने हैं, कम्युनिकेशन नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे सियासतदानों ने करनी है, मुल्क का इमेज सियासतदानों ने बनाना है बाहर जाकर। तो अगर वहाँ पर पॉलिटिकल एकेडमी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनकी एम्पावरमेंट नहीं है, तो उससे उनका कैलिबर जो है वो नहीं बढ़ेगा। एक तो हमें अपने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनको बाहर की दुनिया में भेजना चाहिए। अब होता ये था, मैं तो आपको मालूम है कि वहाँ रहा हूँ, हम इनको बुलाते थे ट्रेनिंग के लिए, ये शापन के चले जाते थे। बिल्कुल ठीक है, इनको हमें बुलाना है वहाँ पर, वहाँ पर ये स्पेंड करें टाइम अपना, वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ बंद करें, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोगों के साथ स्पेंड करें, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ करें, कांग्रेस के लोगों के साथ इंटर्नमेंट करें। एक तो इनके आपस में, एक तो उनके तलकात बेहतर होंगे। और ये देखें पीजे, एक चीज़ मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, दिस वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस, पर्सनल ताल्लुकात अब पूरी दुनिया में मैटर करते हैं। जीएसपी प्लस 2013 की बात ले लें, अगर मेरे पर्सनल ताल्लुकात ना होते, पर्सनल कम्युनिकेशन ना होती, जाती दोस्तियाँ नहीं होती, तो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस नहीं मिल सकता था। इट वॉज इम्पॉसिबल टास्क पीजे, इट वॉज इम्पॉसिबल टास्क। अब भी मेरे काम मेरे पुराने दोस्त आए हैं, अब मैं जब गया हूँ वहाँ पर, जो एक्सटेंशन हो रही है अगले 3 साल के लिए, तो वहाँ पर भी, और अब हमें डबल एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रेक्सिट हो रहा है, बरतानिया के मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट वहाँ से निकल रहे हैं। और पीजे आप बेहतर जानते हैं कि यूरोप में हमारी जितनी सपोर्ट बरतानिया से थी किसी और मुल्क से नहीं थी। देर वर 73 मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट फ्राम यूनाइटेड किंगडम और 5 लोग ट्रेड कमेटी के मेंबर थे। दे यूनानिमसली सपोर्टेड अस, दे नॉट ओनली गिव देयर वोट टू अस, दे लॉबीड अदर कंट्रीज एंड मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट एंड इंटर कमेटी मेंबर। दैट्स व्हाई आई वेंट टू यूरोप, के ताकि मैं यूरोप के जो मुल्क हैं उनके साथ अपने तल्लुकात बेहतर करूं, ताकि हमारी हर मुश्किल वक्त में हमारे जो हैं वो काम आए।